अनुपमा में आने वाला है 20 साल का लीप। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि भाई अनुपमा और अनुज ने बेटी को गोद ले लिया है, लेकिन यहाँ पर कम ही लोग हैं जो इनकी खुशी के लिए असली मायने में खुश हैं। यहाँ पर बरका हो, अंकुश हो, आदि को सभी के सभी इस बच्ची के खिलाफ खड़े हैं। तो दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर हम वनराज और उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं इस बात के खिलाफ होंगे कि अनुपमा और अनुज ने इस बच्ची को गोद ले लिया है, क्योंकि वो बच्ची इसके बच्चों के बीच में आ सकती है। वहीं पर किंजल की कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। किंजल यहाँ पर अनुपमा से नाराज नजर आएगी, क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए अनुपमा का सपोर्ट चाहिए, और अब जब अनुपमा के पास छोटी बच्ची है तो वो कैसे किंजल को संभालेगी। इसलिए काफी कुछ अनुज और अनुपमा को सामना करना पड़ेगा, देखने को मिलने वाला। इसके बावजूद अनुज और अनुपमा अपनी बच्ची के लिए खड़े नजर आएंगे और उसके लिए स्टैंड लेंगे, और इसीलिए सबसे बड़ा डिसीजन उनकी प्रॉपर्टी का होगा। सब कुछ 18 साल होने के बाद में इस बच्ची का हो जाएगा, और तब तक यहाँ पर गाइड कोई और नहीं, अनुज और अनुपमा ही होंगे। और कहानी में 20 साल बाद ये कहानी दिखाई जाएगी, जहाँ पर अनुज और अनुपमा के बाद यहाँ पर ये बच्ची ही होगी जो कि इस कंपनी को और सबको हैंडल करते नजर आने वाली हैं। 20 साल बनने आगे बढ़ने वाली हैं अनुज और अनुपमा की छोटी अनु की कहानी, जहाँ पर ये काफी शानदार तरीके से एंट्री करेगी, और अनुज और अनुपमा दोनों की झलक हमें इस बच्ची में देखने को मिलेगी, जो कि दर्शकों को भी काफी पसंद आने वाली है। वेल, आप लोग कितना एक्साइटेड है छोटी अनु को नए किरदार में, नए अंदाज में देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।